हेलो, दिस इज अभिजीत चौधरी द फिशी जोन चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो ये हमारा सिगरेट फिश का टैंक जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल और बोरिंग है, इसलिए आज हम लोग करने वाले इसमें कुछ चेंजेस यानी कि न्यू एक्वास्केप। तो शुरू करते हैं हम लोग वाटर चेंजेस के साथ। सभी स्टोन और फिशेस तो मैंने रिमूव कर दिया। अब इसमें कुछ और ऐड करने से पहले मुझे क्लीन करना है ग्लास को, ताकि अच्छे से अंदर से साफ हो जाए और बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो पहले मैं एक्वेरियम के सारे सैंड को एक तरफ इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ माउंटेन टाइप का लुक देना है, यानी कि एक तरफ पूरा मैं ढलान बना दूंगा और सारा सैंड एक तरफ कर दूंगा। और अभी मुझे और भी सैंड की जरूरत पड़ेगी, तो अभी मैं और भी सैंड ले आऊँगा। तो मैंने कैसे यहाँ पे सैंड ले लिया प्रॉपर वॉश करके, और मैं साथ में सैंड नहीं छोटे छोटे स्टोन भी यूज़ करने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से इनको भी ऐड कर लेते हैं अपने एक्वेरियम के अंदर। मैंने यहाँ पे छोटे और बड़े स्टोन्स ले लिए हैं और साथ में कुछ ड्रिप वुड भी है, तो इसी के साथ हम लोग को डेकोरेट करने वाले हैं। अभी तो मैंने फिलहाल कुछ जैसा सोचा, देखते हैं वैसा लुक आता है नहीं, या फिर बनने के बाद कैसा लगेगा तो बनने के बाद ही पता चलेगा। तो पहले डेकोरेट करके देख लेते हैं। तो लगभग हमारा टैंक रेडी हो चुका है, बट अभी मैं सोच रहा हूँ इसमें कुछ प्लांट्स भी ऐड कर दूँ, थोड़ा सा और मस्त लुक देगा। तो अब इससे पहले मैं फिश को ऐड करूँ, 15 मिनट के लिए एक्लिमेट करने के लिए छोड़ देंगे, वरना फिश स्ट्रेस में भी जा सकती है और उनकी डेथ भी हो सकती है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लू मिथिलिन, और जब भी मैं वाटर चेंज करता हूँ तो इसको ज़रूर से यूज़ करता हूँ, जिससे कि फिश स्ट्रेस में नहीं जाती और इनके अंदर कोई इंटरनल पैरासाइट होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। और अभी मैं फ़िल्टर ऑन करके ऐसे छोड़ दूंगा 4 से 5 घंटे के लिए, और डायरेक्ट तुम लोगों को मैं रात में मिलता हूँ, फिर पूरा टैंक का लुक दिखाता हूँ।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम लोगों को टैंक का लुक कैसा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया था। और साथ में चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा तो जरूर से फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।